हाँ जी भाई लोग, सो वापस एक नए ब्लॉग में। सो यार आज मैं आया हूँ एक दरगाह को, आज मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। सो दिल्ली का सबसे बड़ा और सबसे पुराना दरगाह है, तो चलो आगे सरप्राइज है आपको मिलेगा देखने को कि कहाँ मैं जा रहा हूँ। इनका नाम शायद आपको बोर्ड में दिख भी रहा होगा। सो चलो आज एक्सप्लोर करते हैं। और इस दरगाह के बारे में आज तो मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए कि जितने भी उलमा लोग हैं यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, इसलिए कि ये ना बहुत पुरानी और बहुत बड़ा दरगाह है। उनका नाम सुना भी होगा, अगर आप मुस्लिम हो तो आप नाम उनका सुना होगा, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी। सो ये बहुत बड़ा मतलब दरगाह है यहाँ का, दिल्ली का मेहरौली शहर में ही है। तो ये देखो स्ट्रीट, इधर स्ट्रीट फूड है, चलते हैं इस गली में, गली की तरफ ही जाना पड़ता है, थोड़ा सा यहाँ पे गली हो चुका है। तो ये देखो ये सारे सारे स्पोर्ट्स है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग विजिट करने आते हैं, दरगाह शरीफ पे आते हैं। तो चलो आज हम एक्सप्लोर कराते हैं आप लोगों को, इसलिए कि दिल्ली में था तो आज सोचा कि चलो आज देखते हैं एक्सप्लोर करके, थोड़ा आपको भी एक्सप्लोर करा दें कि दरगाह कैसा है। इसलिए कि अगर तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे ना इनके बारे में तो तुमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये बहुत बड़े नॉइजेस को इग्नोर करो थोड़ा। तो ये चीजें हैं, चलो देखो आओ मेरे भाई। ठीक है ये देखो सारे के सारे फूल्स इधर मिलते हैं जो दरगाह शरीफ पे जाते हैं और फूल्स भी ले जाते हैं। ये देखो भाई ये मेन गेट है इस दरगाह का, अजान भी हो रही है, थोड़ा सा असर की नमाज है ना अभी। चलो अंदर चलते हैं देखते हैं। चलो एंटर करते हैं। भाई दरगाह में एक चीज मेरे को पसंद नहीं है, वो है यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग क्या है ना कि सिगरेट पीते हैं या और भी चीज है कोई कोई लोग, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है मेरे को, इसलिए कि इतना बड़ा दरगाह और इनकी इज्जत करना चाहिए। ये देख लो ये हम दरगाह शरीफ में अंदर आ चुके हैं। तो ये दरगाह शरीफ का अंदर का है, तो चलो देखते हैं। ठीक है
भाई दरगाह शरीफ में क्या है ना कि एक चीज़ मेरे को फिर मतलब अगेन पसंद ये चीज़ है ना कि यहाँ पे खुराफाती बहुत चीज़ होता है। ये चीज़ है कोई सिगरेट पीते चल रहा है, कोई बीड़ी पीते चल रहा है, यार ये क्या मजाक है। ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन क्या करेगा आदमी, करता है लोग, सबकी अपनी अपनी दुनिया है, कोई मना भी नहीं करता है भाई, तो हम कौन से मना करने वाले हैं। ये देखो हम उधर से आए थे, ये देखो है उधर आगे एंट्री गेट था जो दिखाए थे, तो चलो दिखाते हैं कैसा है आगे। ये है सीढ़ियाँ, देखो इनके बारे में मालूमात है लेकिन मैं ज़्यादा बताना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए कि तुम YouTube पे और भी जाकर वीडियो खासकर ओलमा लोगों से तुम देख लो कि थोड़ा सा डिटेल में मालूम हो जाएगा। ये है अंदर का, ये देखो ये है इधर का वजू खाना, असर का नमाज हो चुका है टाइम पे, हम भी पढ़ेंगे। ये देखो इधर है, ये मस्जिद है, इसलिए ना कि यहाँ पे दरगाह शरीफ में ना करीब करीब 5 शायद मस्जिदें हैं, तो नमाज भी इधर पढ़ने को बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें से मैं भी हूँ, इधर ही आता हूँ, इसलिए कि मेरा पास पड़ता है। यह है उधर मस्जिद, यह है मेन गेट जो कि शायद उर्स वगैरह पे खुलता होगा बट अभी नहीं खुला है। तो देख लो नाम, इसलिए कि दिखा भी दे रहा हूँ कि किन के बारे में बात कर रहा हूँ। इधर भी देख लो, ये है दरगाह शरीफ की अंदर की मस्जिद है। चलो थोड़ा अंदर दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ भी नमाज होती है, ये देखो थोड़ा जालियां से दिखा दे रहा हूँ अंदर का, देख सके तो नहीं दिख पाएगा, चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं देखते हैं। दिल्ली का सबसे बड़ा दरगाह हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी का रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। सो ये चीज़ें अब तुम देख लो, बाकी इधर इधर मस्जिद है, इधर इधर आगे जब जाओगे ना इधर मस्जिद है, इधर पिछली बार जुम्मे की नमाज में इधर ही पढ़ा था। देखो अस्सलाम वालेकुम।
देखो अंदर का मज़ार। बाकी अभी असर की नमाज हो चुकी है तो अभी हम भी पढ़ेंगे थोड़ा कुछ देर में। हाँ थोड़ा आपको मेरा आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रहा होगा, इसलिए कि थोड़ा यहाँ से यहाँ पे ज़्यादा हल्ला करना थोड़ा अच्छा नहीं है, इस वजह से मैं भी ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। बाकी आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में दिखाना चाह रहा था इस वजह से। बाकी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट देखो डिटेलिंग में थोड़ा सा लंबी तो होगी डिटेल में। चलो थोड़ा सा मैं गुंबद दिखा देता हूँ। ये देखो दिल्ली का सबसे पुराना मज़ार है, और आप इनके बारे में खुद आप वीडियो पे तुम सर्च कर लो इनके बारे में, बहुत सारे उलमा लोग आपको बताएंगे इनके डिटेल्स के बारे में। इसलिए कि अगर उतना मैं बताने जाऊंगा ना तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो और जो भी मुसलमान हैं वो तो जानते ही होंगे यार हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, इनके बारे में सभी को मालूम है। जो इनका एक और नाम है हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अब समझो कि इसमें जो ख्वाजा ऐड हुआ है ना नाम, वो समझ ही रहे हो कि कहाँ से ये नाम ऐड हुआ है। वो है हज़रत मोइनुद्दीन ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह, जो उनका मज़ार शरीफ अजमेर में है, और सेम गुंबद भी दिख भी रहा होगा सेम वैसा ही है। तो अब ज़्यादा डिटेल्स मैं नहीं बता सकता इसलिए कि ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है। बाकी देख लो ये है, ये दिल्ली के ना यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे ज़्यारत करने आते हैं, सलाम अर्ज कर ज़्यारत करने आते हैं। और बाकी ये तुम देख लो, ये उधर मस्जिद है दरगाह के साथ में ही। ठीक है, अगर आज का मैं ब्लॉग इधर ही एंड करता हूँ, ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है। मैं डिटेल बताना चाह रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए कि इस वजह से मेरे को यहाँ पर बंद करना पड़ रहा है। अभी असर की अजान हो चुकी है, नमाज लोग पढ़ रहे हैं, अभी मैं भी जाऊंगा इसलिए कि टाइम हो चुका है। तो ठीक है, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो सपोर्ट करो इस चैनल को, और अगले वीडियो का आपको जल्द ही मिलेगा अगला वीडियो, ऐसा नहीं है। एक नई नई जगह को हम ट्रैवल करना अभी शुरू कर चुके हैं। सो ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।